तो ये प्रतिक्रियाएं हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव परिवार पर अब डबल मुश्किल बढ़ती जा रही है। पहले मुश्किल तो सत्ता से हाथ गवाई, और दूसरी मुश्किल कि अब जांच एजेंसियों ने अपना दायरा बढ़ा दिया और एक बार फिर से जांच में तेजी लाते नजर आ रहे हैं। पूछताछ के लिए आज लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया, कल तेजस्वी यादव को बुलाया गया है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, आपका तारुफ करा देते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भ्रष्टाचार पर यह कार्रवाई है या कोई सियासी दांव। राकेश पोद्दार जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सतीश दास देव जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंदर सिंह देओल जी हैं, जेएमएम के प्रवक्ता जुड़े हमारे साथ। आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सतीश दास जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। डबल अटैक, सत्ता भी हाथ से गई और दूसरी तरफ अब जांच एजेंसियों का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। आज लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उनसे पूछताछ की गई, कल तेजस्वी यादव को बुलाया गया है, बड़े आरोप लग रहे हैं अब। देखिए योगेंद्र पांडे जी, सबसे पहले तो बताते हैं कि सत्ता जो गई है वो हमने बताया है कि हमने सत्ता में जब हम आए 17 महीने में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी के साथ मिल करके बिहार के लिए क्या बेहतर काम किया जो 17 साल में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए थे। ये पूरे देश और दुनिया जान गई है कि जहां युवा हताश और निराश थे नरेंद्र मोदी के जुमला से, परेशान थे 2 करोड़ का रोजगार का जुमला से, वो रोजगार नहीं मिल पा रहा था, वहां पर तेजस्वी यादव जी ने आकर के सत्ता में 17 महीने में तकरीबन 4 लाख से ज्यादा नौजवानों को नौकरी देने का काम किया और पहली बार बिहार में कल्चर विकसित हुआ कि बुला करके उनको गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा गया। आप 17 महीने में 17 साल की सरकार का कंपेरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, और सबसे बड़ा दावा नौकरी को लेकर के कर रहे हैं, और नौकरी के मामले पर ही नौकरी के बदले जमीन, इस ये बड़ा आरोप लगा है। इतने लंबे दिनों से जांच चली आ रही है, लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री हुआ करते थे तब का मामला, और अभी तक फिलहाल ये मामला थोड़ा सा फिर कुछ दिनों के लिए शांत नजर आ रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। अब ये आरोप लग रहे हैं, कैसे आप अपने आप को बचाएंगे? सर पर चुनाव है, आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। योगेंद्र जी, एक चीज समझ लीजिए कि लैंड फॉर जॉब मामले में दो दो बार कोर्ट ने कहा कि केस चलने योग्य नहीं है, खारिज कर दिया गया। उस डेड केस को जीवित किया गया है सिर्फ जब बिहार में सत्ता का हस्तांतरण हुआ था और नीतीश कुमार और लालू यादव जी की सरकार बनी, उसके बाद ईडी ने इसको लिया और उसके बाद इस केस को धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंचाया गया है। इस मामले में आप समझ लीजिए कि अब जो भी ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये भारतीय जनता पार्टी के विंग्स के रूप में अब काम कर रहे हैं। देश में जो भी विपक्षी दल है, ठीक है, वही आरोप फिर एक बार लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विंग के रूप में ये जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। अरविंद सिंह देओल जी, मुख्यमंत्री एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं। ईडी का मतलब ही हो गया है एंड ऑफ डेमोक्रेसी। अब इस देश में एंड ऑफ डेमोक्रेसी हो गई है, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं बची है। ठीक है, आप डेफिनेशन, आप डेफिनेशन तैयार करिए, आप डेफिनेशन तैयार करिए, उसके बाद आते हैं। वो दूध के धुले हो जाते हैं, अजीत पवार जैसे लोग चले जाते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं, उसके सवाल सारे भ्रष्टाचार का केस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अरे वो सवाल मैं लूंगा, बीजेपी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनसे मैं पूछूंगा। लेकिन ये मतलब नहीं ना कि किसी एक पर जांच अगर ढीली हो जा रही तो दूसरे भ्रष्टाचारी को छोड़ दिया जाए, ये कतई नहीं है बनता ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरविंद सिंह देओल जी, मुख्यमंत्री का ही पता नहीं चल रहा था, डर गए हैं सब लोग बता रहे हैं। आप ही बता रहे हैं, हमको तो ये नहीं पता है, हमको तो मीडिया से ही पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री का पता नहीं चल रहा है, पर मुख्यमंत्री ने तो ऑफिस में अपने बात करके ऑफिस के द्वारा एक मेल ईडी को भेजा गया है कि 31 तारीख को वो हाजिर होंगे। हाँ, काफी तो देर बाद ये प्रक्रिया की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ड्राइवर को भी वहां से दिल्ली से बुलाया, उसको ले गया गया साथ में, उससे भी पूछताछ की गई। और जो कार्यक्रम निर्धारित थे 29 जनवरी को चाईबासा में, 30 जनवरी को पलामू में, 31 जनवरी को डिरिगी में, जो हमारे पास कार्यक्रम आए हैं उसमें तो हेमंत सोरेन के निर्धारित कार्यक्रम थे, अचानक दिल्ली कहां पहुंच गए वो? अब वो मुख्यमंत्री जी अचानक स्पेशल फ्लाइट लेके दिल्ली गए हैं, अब क्या इमरजेंसी थी, किनसे मिलने गए हैं, ये देखिए ऊपर की बात, हम कार्यकर्ताओं को इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। हम एक बहुत छोटे से सिपाही है जेएमएम के, ये ऊपर लेवल की बात है,
कोई जरूरी काम होगा, नहीं तो कोई आदमी अचानक कोई फंक्शन से उठ के चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली नहीं जाता है, कुछ ना कुछ इमरजेंसी हुई होगी। और जब तक ये हेमंत जी ही बता सकते हैं और पार्टी की तरफ से आधिकारिक ऐलान, जब तक वो वापस नहीं आते हैं तब तक ये बताया नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए सवाल यहीं पर उठ रहा है और इसी वजह से, क्योंकि अब आपके कार्यकर्ता आप ही लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे और ये आशंका जता रहे थे कि दरअसल हेमंत सोरेन साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, आप ही लोग प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं 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 देखिए, नहीं नहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। हाँ। प्रदर्शन का प्रोग्राम 3 दिन पहले उनके दिल्ली जाने से पहले ही अनाउंस कर दिया गया था। आपको नहीं है तो रांची डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आप पूछ लीजिए, वो चिट्ठी जा चुकी थी कि एक दिन मशाल जुलूस होना है और 5 दिन हर जिला वार लोगों को इकट्ठा होना है और राजभवन तक जाके हमें विरोध प्रदर्शन करना है कि मिसयूज ऑफ ईडी हो रहा है। ठीक है, मिसयूज ऑफ ईडी हो रहा है, ये आप आरोप लगा रहे हैं। आ रहे हैं सेकंड राउंड में, आ रहे हैं अरविंद जी, अरविंदर जी आ रहे हैं आपके पास। राकेश जी, ये आरोप देखिए लगाया जा रहा है कि ईडी का या सीबीआई का जो भी जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और अब विपक्षी दलों को सताया जा रहा है। नहीं योगेश जी, ऐसा नहीं है कि विपक्षी दलों को सताया जाता है। बात रहा कि कहीं ना कहीं ये लोग भ्रष्टाचारी होते हैं, सीबीआई की जांच जो आज नहीं यूपीए 1 की समय की बात है कि जो नौकरी के नाम पर इन्होंने जमीन लिया जिसमें इनके पूरे पूरा परिवार का नाम है और जो याचिका दायर किया हृदय नारायण यादव जी इन्हीं के लोग थे और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को नौकरी जो मिली थी तो उसमें मेरे से जमीन पटना में लिया जहां पे वो मॉल बनने वाला है, जो भी है चलिए। और दूसरा राव जेवीएमयू कोर्ट जो है पहले से संज्ञान में ले लिया है, तो हम लोग सीबीआई ईडी की इस्तेमाल नहीं करते हैं और हमने कहा कि अगर सीबीआई ईडी आप कहते हैं कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो आप भी अपने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाइए याचिका दायर कीजिए उनके खिलाफ, सीबीआई ईडी के खिलाफ याचिका दायर कीजिए। कहीं ना कहीं वो लोग संपलित होते हैं, पाए जाते हैं, इसीलिए लोग जेल जाते हैं। मनीष सिसोदिया जी ने भी ईडी के खिलाफ याचिका दायर की, अरविंद केजरीवाल जी को जो है वो सत्येंद्र जैन ने की, आज कितने दिनों से जेल में पड़े हुए। कहीं ना कहीं इनको लगता है, माननीय न्यायालय को लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित है इसीलिए जेल। लेकिन देखिए अभी भी सतीश जी कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि जो आरोपी आपके साथ चले गए वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, उनकी जांच जो है वो पेंडिंग हो जाती है, उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाता है। अजीत पवार का उन्होंने जिक्र किया, छगन भुजबल हैं, नारायण राणे हैं, ये तमाम तरीके की तमाम एक लंबी फेहरिस्त है नामों की, तो इन पर इनको क्यों नहीं पूछताछ के बुलाया जा रहा है? नहीं नहीं योगी जी, बुलाया जाता है, वो जाते हैं कोर्ट में पेश होते हैं, अपनी अपनी सुनवाई करवाते हैं, ऐसा नहीं है। जिनको बुलाया जाता हो तो 7-7 बार नोटिस देने के बाद भी नहीं जाते हैं। अच्छा आप बताइए, आप बताइए हेमंत बिश्व शर्मा को कब बुलाया गया? 2015 के बाद से अजीत पवार को आखिरी बार कब बुलाया गया था? नारायण राणे को आखिरी बार कब बुलाया गया पूछताछ के लिए? मुझे जानकारी नहीं, आप दे दीजिए। वो लोग सरकारी गवाह हैं इसीलिए पहले बुलाएंगे तो सरकारी गवाह बने हैं, इसलिए गवाह बने हैं, तो इनको भी जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि आप माननीय उच्च न्यायालय में चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले जाइए, एक आतंकवादी के लिए ये लोग याचिका दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रात के दरवाजा खुलवा सकते हैं, तो अपने लिए क्यों नहीं अपनी पैरवी कर सकते? कपिल सिब्बल रात में दरवाजा खुला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ठीक, तो अपने लिए करवाना चाहिए। आप लोगों के लिए यही तो रास्ता आसान होता है कि सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, न्यायालय चले जाइए और यही कर कहीं ना कहीं बच लेते हैं। खैर आलोक पांडे जी, क्या चल रहा है देश में? ये ईडी का मिसयूज की जो आज से कोई नई बात नहीं है, लंबे समय से बात चली आ रही है, विपक्ष के नेता लगातार केंद्रीय जो जांच एजेंसियां उन पर आरोप लगाती हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाती हैं, असल में क्या खेला है? योगेश जी, हम करें तो राष्ट्रीला, तुम करो तो करेक्टर ढीला। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता करप्शन करें तो ठीक है, लेकिन अगर विपक्ष के करप्शन करें तो अपराधी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जिस समय महाराष्ट्र में मंत्री हैं, बंगाल में मिनिस्टर या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या असम के मुख्यमंत्री हैं, ये बात सच है, इसमें कोई डाउट नहीं, उनके ऊपर भी इस तरह के भ्रष्टाचार के केसेस हैं। लेकिन इससे जब विपक्ष के या सोरेन साहब गायब हो जाते हैं और मीडिया में आता है एक मुख्यमंत्री गायब, तो जब मतलब मुझे लगा मुख्यमंत्री विदेश तो नहीं भागे, मतलब मुझे लगा कि भाई भ्रष्टाचार के मैटर में भाई असम वाला तो मुख्यमंत्री बना बैठा है, बंगाल का नेता बैठा कि भाई देखा जाएगा, लेकिन एक मुख्यमंत्री अगर विदेश भाग जाए तो हो गया, पता बीजेपी को कोसेंगे कि बताइए मुख्यमंत्री विदेश से बाहर भाग गया तुम पकड़ ना पाए, क्योंकि अभी भी उन्होंने एक मेल किया है, मीडिया के सामने नहीं आए हैं, तो क्या गारंटी कि सोरेन साहब देश के अंदर है? छोड़ के क्योंकि ईडी का जो कार्यवाही है
इसमें ध्यान रखिए, कोई मर्डर के और पॉलिटिकल मुद्दे नहीं होते, इसमें आर्थिक अपराध होता है। और जब तक मनी ट्रेल नहीं पकड़ी जाती, बड़े नेताओं पर ईडी की हाथ डालने की हिम्मत नहीं होती। इसीलिए ईडी की कार्रवाई से इसमें जिस नेता के ऊपर कार्रवाई हो जाती है वही आतंकित हो जाता है। अब लोकतंत्र में ये बात सच है कि जो बॉडीज हैं, जो संस्थाएं हैं, उनमें जो सत्ता में होता है उसकी जांच थोड़ी धीमी हो सकती है, जो विपक्ष में उसकी तेज हो सकती है। लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये जो लोग हैं, हेमंत सोरेन है या लालू यादव है, ये लोग बिल्कुल निरपराधी, इन्होंने तो कुछ गड़बड़ किए नहीं है। और दूसरी बात, मैं लालू यादव की सख्त की दाद देता हूं कि बुढ़ापे में बंदा भाग के नहीं गया। हेमंत सोरेन साहब तो गायब हो गए, अभी भी नहीं आए हैं। तो जरा जेएमएम के पता है भारत में है या भारत छोड़ के भाग गए? अभी तक मेरे पास ऐसी कोई जानकारी है नहीं है कि सोरेन साहब इंडिया के अंदर है, केवल मेल आया है। आप बताइए मीडिया में इतना बवाल बच रहा है, एक माइक दे दे आपके। इतनी जानकारी तो अरविंदर जी आप दे सकते हैं, मुझे लगता है कि हैं भारत में या भारत के बाहर चले गए हैं, क्योंकि आलोक पांडे जी भी ये पूछ रहे हैं, अगर भारत में है तो उनको सामने आ जाना चाहिए था, कहीं ऐसा तो नहीं कि देश छोड़ करके निकल गए हो? दिल्ली देश से बाहर जाने के लिए किसी को भी बिना बताए, आज मुझे तो नहीं लगता है कि इस देश की अर्थ मतलब जो सूचना तंत्र और सिक्योरिटी इतनी है कि बिना किसी के, जब सेंट्रल एजेंसी किसी को खोज रही है और वो देश से बाहर चला जाए, तो ये सब मीडिया का बनाया हुआ है। आप देखिएगा, जल्द ही हेमंत जी हमारे बीच में उपस्थित होंगे और वो सारे क्वेश्चनों का जवाब देंगे। बट अब उन्होंने, क्योंकि ये मेल गया है 31 तारीख तक, तो मुझे लगता है कि उन्हें 31 तारीख तक का टाइम देना चाहिए और इस बातों से हमें बचना चाहिए कि वो भाग गए या तड़ी पार हो गए या देश छोड़ के भाग गए, हमें नहीं लगाने चाहिए। इससे बातें 10 सेकंड के लिए सुंदर से अपनी मुहैया दिखा दे, हम लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे कि इंडिया में है। ऐसा क्या अपराध कर दिया कि कुछ बातें घूम रहे हैं? अरे जेएमएम के कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं, बट अब क्या कारणवश है, दिल्ली में क्या हो रहा है? हो सकता है ईडी ने उन्होंने उनको डिटेन करके रखा हो और नहीं बता रहे, ये भी तो हो सकता है। गिरफ्तार न किया जाए पहले, हमें जरा बेल ले लें कुछ, ये हो सकता है कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं, ये बताइए आप जी। उनको डिटेन करके रखा हो ईडी ने और वो आउट नहीं कर रही, ये हो सकता है कि नहीं? जैसे आप क्यास लगा रहे कि वो देश छोड़ के भाग सकते हैं, तो इस तरह के हम क्यास लगा रहे कि ईडी ने उन्हें डिटेन किया हुआ नहीं बता रहा ईडी, मुख्यमंत्री कार्यालय के हेड। एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, डिटेन अगर करते अरविंदर जी, अगर डिटेन हुए होते मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कार्यालय को पता चल गया होता और मुख्यमंत्री कार्यालय बिना मुख्यमंत्री के निर्देश के कोई ईडी को पत्र नहीं भेजेगा कि 31 तारीख को समय दीजिए साहब, 31 तारीख को पूछताछ के लिए हम बताएंगे कहां पर हमें आना है, आपको आना यही है। यही बात है ना, नहीं नहीं, बात ये है कि जो आपने कहा उसका दरअसल यहां पर खंडन हो रहा है। दूसरी बात, जितनी मुझे जानकारी है, अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैं जिले का प्रवक्ता हूं, ठीक है, मैं जेएमएम का रांची जिले का प्रवक्ता हूं और ये जिस लेवल की बात हो रही है हम उसके लिए प्रीवी नहीं है। हमको जो आपके माध्यम से खबर मिल रही है और हमारे जो केंद्रीय प्रवक्ता है उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं। यही चीज मैंने देखी है, जो आपने अच्छा किया, आपने बता दिया कि आप रांची जिले से ताल्लुक रखते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छी बात ये बता दी कि रांची जिले से ताल्लुक रखते हैं। अब सुन लीजिए, मुझे जो जानकारी है, अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अब तक झारखंड में 14 लोगों को गिरफ्त में है, मुझे जो जानकारी है। पंकज मिश्रा को लेकर के आप कितना बचाव करते नजर आते थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितना पंकज मिश्रा का बचाव करते नजर आए, पिंटू को लेकर के जब सवाल उठे तो कितने बचाव करते लोग नजर आए, ये कहा गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी जो रासलीला हो रही थी वो हमने देखा कि गिरफ्तारी के बावजूद सलाखों के पीछे जिसको होना चाहिए था वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के अस्पताल में बैठा मजा ले रहा है और वहां से भी दलाली चल रही है। तो स्वास्थ्य तो उसको कोर्ट नहीं, वहां से जाने के लिए वहां पर भी तो यही वहां पर भी तो यही कांड हुआ ना, जिस जज ने उनको अलाउ किया। अरविंदर जी उठा दीजिए, बात निकल करके आई थी ना, जब जांच हुई तो वहां से भी ये बात निकल करके सामने आई ना, किसी का पर्सनल डिसीजन नहीं, सारे डिसीजन तो पंकज मिश्रा अस्पताल में बैठ करके ले रहा था। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं, अगर मुझे जेल हुई तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं कोर्ट में हॉस्पिटल में रहूंगा। ये जज का डिसीजन है, अब जज साहब ने अगर उसको दिया है तो आपको जज से ये बात उठानी चाहिए, ना कि उस व्यक्ति से। आप ईडी को जाना चाहिए, प्रूफ लेके जाए कि नहीं ये आदमी ठीक है,
इस पे कोई इसका कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, ये गलत कर रहा है, अपने जज क्यों करेगा ऐसा? जेल प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं होता, जेल प्रशासन वहां जो सुरक्षा है वहां पर उसका कोई, वहां पर तो वकील और जज खड़े होते हैं सुरक्षा में, अस्पताल में, अस्पताल में जब फाइलें पहुंच रही थी पंकज मिश्रा के पास तो वहां पर तो वकील और जज खड़े हुए थे ना, वहां पर वो बैठे हुए थे। रखने का अलाव कौन करता है? नहीं नहीं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था, वहां पर फाइलें कैसे पहुंच रही थी पंकज मिश्रा के पास अस्पताल में, ये आप बताइए। फाइल आप कहां दिखा दीजिए मुझे वीडियो विजुअल जहां फाइलें पहुंची थी। चलिए मैंने उसको भी दिखा दूंगा, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, मैंने उस पर पूरी चर्चा की है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप उस पर, आपने जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने स्वीकारा है उसी पर लेकर के, उसी को लेकर के पंकज मिश्रा से पूछताछ भी हुई थी। अगर ऐसा हो रहा था तो गलत हो रहा था। हाँ, अगर ऐसा हो रहा था तो ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं, मैं उसको आपको शेयर भी कर दूंगा, मैंने उस पर पूरी चर्चा भी की थी। खैर ठीक है सतीश जी, मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ, अगर ऐसा हो रहा था तो ये कहीं नहीं, इस देश में नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल हो रहा था ऐसा, वही सतीश जी, अब ये आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भाई साहब उनके पास जो गए वो दूध के धुले हो गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि बाकी जो भ्रष्टाचारी हैं देश में जो जनता को लूट रहे हैं उनको भी छोड़ दिया जाए। आप तो ये कहते हैं कि साहब हमारी सरकार आएगी, देखिएगा केंद्र में एक एक भ्रष्टाचारी को हम पकड़ के लाएंगे और सबको सलाखों के पीछे भेज देंगे। अरे भेज दीजिएगा आप, लेकिन आज आप क्यों नहीं जा रहे हैं पूछताछ के लिए जब बुलाया जाता है तो? आज आप क्यों घबरा रहे हैं, आप क्यों भाग रहे हैं? योगेंद्र पांडे जी, हमारे लालू प्रसाद यादव जी ईडी दफ्तर में है, उनसे पूछताछ जारी है, हो गई आज। हाँ लालू प्रसाद यादव से आज हो गई। इस उम्र में भी हर एक जो भी ईडी या सीबीआई जब जब ने बुलाया है हमारे लालू प्रसाद यादव जी या हमारे उनके परिवार के लोग दफ्तर में गए हैं या उनका सामना किए हैं, हमारे लालू प्रसाद यादव जी इस उम्र में भी नहीं भागे हैं और भागने वाले नहीं है। लेकिन ईडी पर तब शक पैदा होता है कि जब तमिलनाडु के दो किसान के यहाँ ईडी की नोटिस जाती है और वो जिसके यहाँ 450 रुपया भी खाता में नहीं होता, ऐसी भाजपा एक विधायक से उसकी रंजिश होती है, उसके बाद उसके ईडी की नोटिस भेज दी जाती है, तब शक होता है कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए इस देश में ईडी सीबीआई इनकम टैक्स एक विश्वसनीय संस्थान थी, निर्वाचन आयोग एक विश्वसनीय संस्थान थी जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने एक इनको अपना डिंग्स बनाने का काम किया है, जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किया है। आपने निर्वाचन आयोग को देखा किस तरीके से उन्होंने एक स्पेशल बिल ला करके और प्रतिपक्ष के नेता होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे और एक मंत्री होंगे और नॉमिनेट करेंगे। ये क्या है देश में, ये देश तंत्र डेमोक्रेसी है, यहाँ पर संविधान से चलता है, कोई हिटलर शाही से देश। चलिए आप ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, लेकिन अब जो आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं, आप ही लोग लगा रहे हैं कि जो नेता डर जाते हैं वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। आपको ये लगता है कि अभी इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है उसमें तमाम ऐसे नेता हैं जो छोड़कर एनडीए का हिस्सा या बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, आप ये बात मानते हैं? योगेंद्र पांडे जी, बिहार की सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है वो ईडी के नोक पर हुआ है, ये आपको बात आज ब्रेकिंग न्यूज बताते रहे। बिहार में जो सत्ता का हस्तांतरण ईडी के नोक पर हुआ है और जो लोग ईडी के सामने, सब लोग नीतीश कुमार नहीं है कि ईडी के सामने, ईडी के डर से नरेंद्र मोदी के सामने में सरेंडर कर देंगे, हम लोग लालू यादव हैं और सबसे ज्यादा देश में लालू यादव के हाथ छापा पड़ा है। डेढ़ साल पहले आपके साथ जब आए थे नीतीश कुमार ईडी की वजह से आए थे, डेढ़ साल पहले जब आपके साथ नीतीश कुमार आए थे तब ईडी की वजह से आए थे। नहीं अभी जो हस्तांतरण हुआ है उसकी बात डेढ़ साल पहले आपके साथ आए थे, उसकी बात जब आपके साथ आए थे पांडे जी, आलोक पांडे जी की वजह से आए थे क्या नीतीश कुमार जी? जब आप देखते हैं कि इसी राज्य के पूर्व वित्त मंत्री के यहाँ, उनके साले के यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, किस तरीके से उनको किस तरीके का सत्ता का हस्तांतरण। तो इसलिए सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी 2024 को चुनाव को लेकर डरी हुई है, तमाम विपक्षी नेताओं को जेल भेजने की साजिश की जा रही है, लेकिन देश की जनता उनको जवाब देगी। हम लोग, हमारे नेता जेल जाने से नहीं डरते हैं, हमारे नेता सूली पे भी चढ़ाना होगा तो चढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने एक पाई की, अगर कोर्ट ने एक पाई की भी गड़बड़ी अभी तक बताया हो तो बताएं। जेल में लंबे समय तक थे तो दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। लंबे समय तक थे योगेश जी, लेकिन जेल से भागे नहीं, न्यायालय से भागे नहीं, न्यायालय ने जो सजा देगी वो कबूल है, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, सब दिन हम लोग सम्मान करते हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए राकेश जी, जवाब ले लीजिए राकेश जी।
योगेश जी ये मामला चारा घोटाला का है और ये कह रहे थे कि अभी जो माननीय न्यायालय जो सजा देंगे तो हम तो जेल में रहेंगे, तो माननीय न्यायालय ने कहीं ना कहीं ना तो लालू जी को अपराधी माना ही है तभी तो जेल काट रहे हैं और ये कैसी बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात रहा इन लोगों का गहना है भ्रष्टाचार करना, इन लोगों का गहना है, जब तक ये लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे रात की रोटी इनको पचती नहीं है, एक गहना है। एक आदमी डेढ़ साल में व्यापम घोटाले, एक मिनट, सिपाही भर्ती घोटाले, इसी भाई साहब मैं आ रहा हूँ, सुनिए, घोटाला भाजपा के राज में सृजन घोटाला जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, तो इसलिए अरे भैया सृजन घोटाला हुआ तो आप सरकार में तो उजागर क्यों नहीं किए, आज इस बात को आप कह रहे सृजन घोटाला तो 18 महीने रहे थे उजागर किए, भाई खोल देते भेज देते जो भी लोग अपराधी थे उसको जेल भेज देते, अभी जांच करवा लेते, कहीं ना कहीं आप चोर के दायरे में दिखता होता है दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आप लालू जी, आपके लालू जी अभी बाहर चल रहे हैं, देश से बाहर घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आता है? क्यों नहीं, मैं आपसे शर्म आनी चाहिए मेरे भाई, आप जिस दल में है उसमें आपको शर्म आनी चाहिए, पूरा का पूरा परिवार भ्रष्टाचारी है, एक भी नहीं जमानत में नहीं चल रहा है, पटियाला कोर्ट में जमानत में चल रहे हैं, हर कोर्ट से लोग जमानत में चल रहे हैं, तो क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के मित्रों हैं, नरेंद्र मोदी के भाई हैं, इसलिए उनके ईडी सीबीआई का थ्रेट नहीं पड़ता। अरे भैया आप तो उनके खिलाफ में जाइए, चलिए ठीक है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो डंडा चल रहा है मुझे लगता है चलना चाहिए, भ्रष्टाचारी कोई भी हो, चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष हो, उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। और देखने वाली बात यह होगी कि ईडी की कार्रवाई आगे तक कहां जाती है, हेमंत सोरेन के कार्यालय ने, सीएम कार्यालय ने जिस तरीके से अब 31 तारीख को समय मांगा है, अब 31 तारीख को हाजिर होते हैं या फिर अगले कोई डेट मांगी जाती है। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से जो कार्यवाही चल रही है उस कार्यवाही को लेकर के भी तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही।